असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये माइक्रो फ्लावर्स शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने नायलॉन के थ्रेड से बनाया है। इस फ्लावर्स को हम माइक्रो फ्लावर्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी साइज़ के होते हैं। इसे आप बच्चों के फ्रॉक्स पर लगा सकते हैं या हेयरबैंड्स पर लगा सकते हैं, पिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से इसे यूज़ किया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नायलॉन का थ्रेड लिया है। कोशिश करें जितना जाड़ा धागा होगा साइज़ उतनी उसकी बड़ी बनेगी और सही फिनिशिंग में लगेगी। यहाँ पर मैंने दो फ्लावर्स बनाए हैं, दोनों के थ्रेड की साइज़ अलग अलग थी इसलिए फ़्लावर की साइज़ भी डिफरेंट बनी है, छोटी बड़ी। हालाँकि मेथड बिल्कुल सेम यूज़ किया हुआ है। नीडल मैंने यहाँ पर यूज़ की है, 3 mm की नीडल है ये। हाँ, ये देखें 3 mm की नीडल है। इसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। इसकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये नायलॉन का थ्रेड भी आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगा। सारी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। नीडल की निप हमें अपनी तरफ रखनी है। इस तरीके से राउंड लेकर पहले स्लिप नट लेना है। तरीके से स्लिप नट लेने के बाद हमें लेनी है 2 chain 1 2। 2 chain लेने के बाद नीडल पर धागा फोल्ड करके फर्स्ट गैप में, ये इसका फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड गैप में हम डबल क्रोचेट लेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। इस तरीके से नॉर्मली हम जैसे डबल क्रोशेट लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको ले लेना है। डबल क्रोचेट लेने के बाद सेम उसी गैप में हम लेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे लेते हैं, डायरेक्टली दोनों धागों में से हम धागा बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो हमने डबल क्रोचेट बनाया है ये इस तरीके से राउंड बन जाएगा। अब फिर से बिना कोई चैन लिए गैप में हम डबल क्रोचेट बना लेंगे। तरीके से दो धागों में से बाहर आ गए, फिर दो धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर उसी गैप में स्लिप स्टिच ले लेंगे ताकि ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से 5 rounds बना लेने हैं। ये 3rd round फिर स्लिप स्टिच, फिर ये 4th round फिर स्लिप स्टिच, सॉरी ऐसे, एंड उसी गैप में फिर से हम लेंगे डबल क्रोचेट। एंड ये लास्ट वाला स्लिप स्टिच, ये इस तरीके से। और ये हमारा माइक्रो फ्लावर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम लेंगे 2 chain और धागा कट कर लेंगे इस तरीके से, बाहर निकाल लेंगे, लॉक कर लेंगे, बैक साइड में आ जाएंगे, एक पतली नीडल ले लें
और ये जो धागे हैं इन्हें हम अंदर की तरफ खींच लेंगे बैक साइड से, ताकि ये फ्रंट से दिखे ना। एंड देन आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरीके से। और ये आपका माइक्रो फ्लावर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा फ्लावर। ये इसी तरीके से आप भी बनाएं। और कोई डिफ़िकल्टी है तो एक दो बार इत्मीनान से वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।